नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ चुका है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो वोटों के खातिर ही पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। वहीं अखिलेश ने इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, ऐसे में उन्हें देश से अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? वो जब नाहिद हसन को टिकट दे सकते हैं तो याकूब मेनन को भी उतारा जा सकता है। महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों, सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित, सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन, वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं, मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे, आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी की लिस्ट में पहले नंबर पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है। लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में अजय कुमार लल्लू, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, आरपीएन सिंह, प्रदीप जैन, आदित्य का नाम भी है। इसके अलावा पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम, वर्षा गायकवाड़,
हार्दिक पटेल, फुल्लो देवी नेता नाम सुप्रीमो श्रीनेथ, कन्हैया कुमार, धीरज गुज्जर, रोहित चौधरी और तौकीर आलम को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 149 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सपा की तरफ से जारी की गई लिस्ट में जेल में बंद सांसद आजम खान का नाम भी शामिल है। रामपुर से चुनाव लड़ेंगे आजम खान। वहीं सपा ने सहारनपुर की नकुड़ सीट से धर्म सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। धर्म सिंह सैनी हाल ही में बीजेपी से सपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि धर्म सिंह सैनी यूपी कैबिनेट में मंत्री थे। सहारनपुर नगर से संजय गर्ग और सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट दिया गया है। शामली के कैराना से सपा के नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सपा नेता नाहिद हसन को हाल ही में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया था। उन्हें गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह कैराना से चुनाव लड़ेंगे। तो सपा ने भी अपने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि 159 लोगों की उन्होंने लिस्ट जारी की है, 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि जिसमें नाइब हसन का भी नाम शामिल है। सपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए कुलपति की नियुक्ति की है। कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को प्रभारी कुलपति बनाया गया है। अग्रिम आदेशों तक प्रोफेसर विनय कुमार डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति का कार्य देखेंगे। तो कानपुर के छत्रपति विश्वविद्यालय में नियुक्ति की गई है। राज्यपाल ने की वहां पर कुलपति की नियुक्ति। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुलपति की नियुक्ति की है। कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैराना में अमित शाह ने रोड शो में हजारों लोग शामिल थे, जिम्मेदार अधिकारीगण आंख मूंद कर बैठे रहे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। वहीं उन्होंने अमर जवान ज्योति के विलय करने पर कहा कि दिल्ली में जहां पर सन 1971 से अमर जवान ज्योति जल रही थी, उसे बंद कर वहां मूर्ति लगाई गई है। हम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, हमें माल्यार्पण करने से रोका गया। तो वहीं उन्होंने तंज कसते हुए सैया भये कोतवाल अब डरे काहे का तो उदाहरण भी दिया। साथ ही मीडिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो सच्चाई सामने लाएंगे। किसी के विरुद्ध निगेटिव नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि इसको उजागर करें। मीडिया हमेशा दिन पर चलाया और आज भी दिन पर चले। मीडिया को जब जब हमने आमंत्रित किया है, हमें हमेशा सहयोग मिला और हमने कोई भी बात मीडिया में किसी के विरुद्ध। वहीं बहुचर्चित बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे की सास और जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी ने बताया कि टिकट मिली तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कल से नॉमिनेशन शुरू होंगे। गायत्री तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जेल में बंद अपनी बेटी को बाहर निकालना है। समाजवादी पार्टी ने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक महीने के भीतर खुशी दुबे को जेल से बाहर निकाला जाएगा। भैया पहला काम तो हमारी बिटिया बाहर हम ही सोचते हैं। और अखिलेश सिंह जी अगर चाहेंगे भैया तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और हमको ये साथ है मेजर साहब, इन्होंने ही हमें बुलाया, आश्वासन दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो एक महीने के अंदर हम आपकी बेटी को रिहा कराएंगे। कितना संतुष्ट है? क्या संतुष्ट है? टिकट मिलेगा आपको तो सपा से चुनाव लड़ेंगे आप?
तो आपको न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, हर सरकार एक जैसी नहीं मिलती। और किसी पार्टी से भी इस तरह का न्योता आया है आपके पास? आए तो कई दलों से लोग आ गए। सफाई क्यों चुनी? चुने क्या, जो समझ में जो कुछ आता है उसी में हाथ मिल। तो वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है और राज्य में भय का माहौल बना हुआ है, जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है। इसके साथ ही मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और भेदभाव को माहौल बना हुआ है। इसके अलावा राज्य से लोग बेरोजगारी के चलते बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, बस दूसरे के कामों को भुनाने का प्रयास किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, बीजेपी ने दूसरों के कामों को सिर्फ भुनाया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के चलते लोग पलायन कर रहे हैं, साथ ही यहां पर कानून व्यवस्था की हालत भी बदतर हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, बेरोजगारी के चलते लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ दूसरों के कामों को भुनाया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।